और इस वक्त मैं देवभूमि उत्तराखंड के चार धाम यात्रा पर है मेरी टीम और खास बुलेटिन माँ गंगा यमुना की पुकार बद्री केदार के श्रृंगार पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। और अभी मेरे बाईं तरफ आप देख रहे हैं माँ गंगा का विशाल रूप जो देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ मेरे दाईं तरफ एक स्वामिनी बैठी हैं। हालांकि ये स्वामिनी तो नहीं, स्पेन की रहने वाली हैं और स्वतंत्रता इनका नाम है, आप देखें। और बात करेंगे इनसे जो हमारी वैदिक और भारत की जो संस्कृति है उसमें वो पूरी रमी हुई है। देखिए तिलक लगी हुई है और कई सालों से बताई जा रही है यहाँ रहती है, मोर देन 10 ईयर्स जाने का करेंगे प्रयास। क्या कहती है, हिंदी भी बहुत अच्छा बोलती हैं। स्वतंत्रता जी, यस, वेलकम टू हियर टू इन गंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव योर इंट्रोडक्शन डिटेल। मेरा नाम स्वतंत्रता चैतन्या हूँ। मेरे गुरुदेव स्वामी शंकर तिलक जी महाराज है, बी ए स्पेन से है, मगर अभी 50 साल से मेरी गुरुदेव सनातन धर्म में है और मैं 10 साल से ऋषिकेश रहती हूँ। हमारे पास एक आश्रम है, आश्रम का नाम योगालया आश्रम है, वैदिक फाउंडेशन ऑफ द हिमालयस इंडियन ट्रस्ट, रजिस्टर ट्रस्ट। और मैं 10 साल से ये आश्रम में रहती हूँ और जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। सो व्हेन डिड यू लर्न हिंदी, कब सीखा आपने हिंदी इतनी फ्लुएंसी? अब मैं 10 साल से इंडिया में हूँ और मैं हमेशा हिंदी पीपल के साथ हूँ, तो मैं बिल्कुल अभ्यास करती हूँ अकेली। मैं क्लास नहीं करती हूँ, मगर मैं लोग के साथ प्रैक्टिस करती हूँ। आप देख रहे हैं अभी गंगा तट पर आप बैठे हैं, माँ गंगा के तट पर, थोड़ा गंगा जी पे आप जो ध्यान करती हैं, थोड़ा बताइए इस माँ गंगा का जो महत्व आप जानती हैं। मेरी के लिए गंगा माँ क्या है, मेरी माँ है, क्योंकि गंगा में गंगा केवल एक नदी नहीं है, गंगा में एक प्योर पवित्र शक्ति भी है कि हमारा आदि शक्ति है गंगा में। तो इसीलिए मैं अभी पहाड़ में हूँ क्योंकि मैं गंगा साधना करूँगी, तो मैं गंगा माँ बहुत बहुत पसंद करती हूँ। मैं बहुत कब पहुँची आप यहाँ, कब पहुँची आप? आज शाम को 2-3 घंटे पहले आज ही आया, बिफोर 2 आवर्स। अच्छा, गंगा के बारे में आपको कब पता लगा था, अपनी किस उम्र में आपने जाना कि गंगा भारत संस्कृति, कब जाना? और मैं सोचती हूँ कि भारत में एक बहुत स्पेशल चीज़ है, क्योंकि हमारा पास एक बहुत पुरान संस्कृति है, तो इसीलिए ये से संस्कृत, ये से उपनिषद, दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति कह सकते हैं वेद है, ये कुछ बताइए उनके बारे में। हमारे पास 2 चीज़ है, धर्म, हमारे धर्म एक ओनली धर्म है, और बाद में मिलेक्सा धर्म मतलब कि दूसरा धर्म है, मतलब कि कुछ सच भी है मगर रियल ट्रूथ नहीं है। हमारे धर्म इज फुल कंप्लीट है आप। हाँ, अनदर धर्म क्रिश्चियनिज्म, दे हैव सम ट्रूथ, डू गुड बी गुड, बट दे डोंट हैव द फुल ट्रूथ। ये फुल ट्रूथ आप कह रहे हैं, पूरा इसमें 100% डिफाइन है, सच्चा है जो वैदिक भारत की संस्कृति वेद, इसमें आप कह रहे हैं कि ये ट्रूथ है, मतलब सच्चा है 100% डिफाइन, ये कहना चाह रहे हैं। और इनका कहना है कि बिल्कुल डिफाइन 100% है। और आप देख रहे भी देवभूमि में लगातार बारिश भी चालू हो गई है। आखिरकार जो ये धर्म के बारे में आप बताएंगे, ये संस्कृति जो आप अपना रही हैं, बहुत दुनिया में, यदि मैं भारत की बात करूँ तो संस्कृति जो अपनाई जा रही है इसकी वजह सच्चाई है ये कुछ और भी है, क्या बोलेंगे आप और लोगों के लिए जो इस संस्कृति को पूरी थोड़ा दूर हटते हैं इससे? मैं थोड़ा उदास हूँ लिटिल सैड, क्योंकि आजकल इंडिया में मैं देखती हूँ कि पूरा लोग धर्म नहीं फॉलो करते हैं। अभी मैं 2-3 आश्रम थी, साधु नहीं है, तो कोई लोग नहीं है, जुब लोग भी नहीं है, और मैं बिल्कुल उदास हूँ क्योंकि हमारे कंट्रीज में, विदेशी देश में पूरा लोग ध्यान करते हैं, जप भी करते हैं, मंत्र भी करते हैं, मगर भारत में मुझे पता नहीं क्या हुआ कि लोग धर्म फॉलो नहीं पसंद करते हैं। चले, बहुत बहुत धन्यवाद स्वतंत्र जी। बारिश भी चालू हो गई है, थोड़ा दिखाइए माँ गंगा का स्वरूप सामने की तरफ बारिश आती हुई। और जहाँ तक मैं बात करूँ भारत की संस्कृति को, अभी